Assalamu alaikum students and welcome to Global Virtual School. Students, this is your first year chemistry class. I am Dr. Ajaz Bano. So, we have chapter number 3, that is the theories of covalent bonding. We are going to study the topic, valence bond theory. Students, valence bond theory basically ये हमें sigma और pi bond के बारे में बताती है कि sigma bond कैसे बनता है, pi bond कैसे बनता है. और इस topic को complete करने के बाद हम आप इस आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के फीचर्स आपको एक्सप्लेन हो जाएंगे कि सिग्मा बॉन्ड के क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे वो बनते हैं. और इसके साथ साथ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, और डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल और ट्रिपल में क्या डिफरेंस है. स्टूडेंट्स, बेसिकली जो कोवेलेंट बॉन्डिंग थेरीज में वेलेंस बॉन्ड थेरी है, ये 1927 में पहले हिटलर एंड लंदन ने प्रपोज की थी ये थेरी, बट लेटर ऑन ये थेरी डेवलप हुई बाय पॉलिंग. इसके अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, ये जो वेलेंस बॉन्ड थेरी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल नेचर और ट्रीटमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. और ये जो इसका यानी वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट है, दिस हैज़ बीन सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल. ये फर्दर थ्री फीचर्स को ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है, जो कि बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और मॉलिक्यूल्स की शेप है. सेकेंडली, अकॉर्डिंग टू दैम, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज फॉर्म व्हेन एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर, कि जब एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो बॉन्ड बनता है, अदरवाइज बॉन्ड फॉर्मेशन ऑब्वियसली नहीं होगी. और ये कि टू ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, कि वो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं बॉन्ड बनाने के बाद भी वैसे ही रहते हैं, उनकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती. जो बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं वेलेंस बॉन्ड थ्योरी के, अभी हम वेलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉस्टुलेट्स की बात कर रहे हैं, कि अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स. ये मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से वो ओवरलैप करते हैं. तो फर्स्ट पॉस्टुलेट है कि अगर टू एटम्स हैं, उसके जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स के बारे में आप स्टूडेंट्स डिटेल से पढ़ चुके हैं, s ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz, d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, f के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं. ये उन ऑर्बिटल्स की बात हो रही है कि ऑर्बिटल्स डिफरेंट एटम्स के एक दूसरे के साथ ओवरलैप कैसे करते हैं. तो जो ओवरलैप वो हाफ फील्ड से मुराद है कि ग्रुप में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा. अगर कोई फुली फील्ड है यानी उसमें डबल है, मैक्सिमम 2 ही आते हैं ना, तो वो फिर पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. तो इसकी कंडीशन क्या है, बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड और पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स. सेकंड, द टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑपोजिट स्पिन, जब वो पेयर अप होंगे तो वो एक दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन पेयर्ड होगी. पहले वो दोनों में अलग अलग बेशक उनकी सेम है, लेकिन ओवरलैपिंग के बाद उनकी स्पिन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट होगी, या पेयर्ड स्पिन हम उसको कहते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. देन इट्स पॉसिबिलिटी इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड, कि अब जो जितने बॉन्ड बने हैं, 1 बना, 2 या 3, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द एटम, कि एक एटम के वैलेंस शेल में अनपेयर्ड यानी जो हाफ फिल्ड, या कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, जितने वो होंगे उतने ही बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे. अगर उसके वैलेंस शेल में एक पार्शियली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, तो एक बॉन्ड बनेगा. अगर उसके पास टू पार्शियली फिल्ड है तो उसके पास डबल बॉन्ड बनेगा, 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा. ये भी हम एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करेंगे तो आपको इसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी. फिर इसका पॉसिबिलिटी है कि इफ ओनली टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप, ये भी मैंने आपको बताया अभी, अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म. इफ additional orbital means two half filled orbitals overlap, then double bond is formed. If three half filled orbitals overlap, then a triple bond is formed. Double and triple bonds को हम multiple bonds कहते हैं. In order to form a bond, the overlapping orbitals must have the same symmetry with respect to bond axis.
अब एक तो बॉन्ड एक्सिस क्या होता है, वो न्यूक्लियाई को जो ज्वाइन करता है वो लाइन को हम बॉन्ड एक्सिस कहते हैं। अब उनकी जो है सिमेट्रिकली वो होना चाहिए। अब ये नहीं कि एक एक्स एक्सिस पे है तो दूसरा वाई एक्सिस पे है तो उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो एक सिमेट्री होगी तो वो फिर वो उनके बॉन्ड्स बनेंगे। एंड अ बॉन्ड एक्सिस इज अ लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स और टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड अ बॉन्ड एक्सिस। ये अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी मैं आपको दिखाऊंगी। देन इन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एनर्जी इज रिलीज्ड, कि और जब ओवरलैपिंग होती है बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, एमिट होती है। द ग्रेटर द ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल्स द ग्रेटर इज द एनर्जी रिलीज्ड एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्मेशन। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, लाइक हमारे पास अगर एक सिंगल ओवरलैपिंग है तो उसमें एक एनर्जी रिलीज होता है, हमारे पास डबल ओवरलैपिंग है डबल बॉन्ड बन रहा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तीन अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लाइक दिस हमारे पास जो यानी सिंगल बॉन्ड डबल ट्रिपल, तो इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा क्यों स्ट्रॉन्ग है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग है सिंगल बॉन्ड से। तो इसकी वजह यही है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज हुई उतनी ही यानी वो स्टेबल हुआ, उतना ही उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ। तो ट्रिपल बॉन्ड में चूंकि बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा है एनर्जी रिलीज ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास बेसिकली टाइप्स तो है हमारे पास सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब सिग्मा में कौन कौन सा सिग्मा कैसे बन सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज अ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एनी फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैं आपको बता रही हूँ पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, जो सबसे पहले पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, जिसको हम हेड ऑन या हेड टू हेड या उसकी लीनियर ओवरलैपिंग भी हम इसको कहते हैं, उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं, हेड हेड ऑन, हेड टू हेड, एंड टू एंड, लीनियर ओवरलैपिंग, तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है। और उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। अगर आपके पास लेट सपोज आप क्वाइट फेमिलियर हैं कि हमारे पास एक एस ऑर्बिटल है, एस की शेप सिर्फ हेलिकल होती है, दूसरा भी एस ऑर्बिटल है, जब ये ओवरलैप करेंगे ये इनके सेंट्रल क्या चीजें हैं न्यूक्लियाई हैं, जब ये ओवरलैप करेंगे यहाँ ये कुछ एरिया यानी इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन इसमें है एक सपोज इसमें है, तो अब ये जो बॉन्ड है जो एरिया इन्होंने शेयर किया है और ये वाला जो बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से है एक इधर से शेयर किया तो ये बन गया एस 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 सिग्मा बॉन्ड। और सेकंड ये कि यहां से यहां तक जो लाइन ज्वाइन की है इसको हम बॉन्ड एक्सिस कहते हैं। तो एक हमारे पास एस एस ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है और इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। दूसरा एस और पी भी हो सकते हैं, लाइक ये एक एस है और एक हमारे पास सपोज कोई ऐसा पी है, तो अब ये कोई भी पी हो, ये पी एक्स भी हो सकता है, ये पी वाई भी हो सकता है और पी जी भी हो सकता है, क्योंकि ये तो स्फेरिकल है कहीं पे भी आके लग जाएगा, ये एक्स एक्सिस पे हो वाई पे हो जी पे हो। तो इसके रिजल्ट में यानी ये आपके पास लेट सपोज मैं इसको पी जी कह देती हूँ, तो ये यहाँ पे आके इसके साथ ओवरलैप करेगा तो ये एरिया जो इसने ज्वाइन किया इसके न्यूक्लियाई उसके न्यूक्लियाई में ये इसका बॉन्ड एक्सिस कहलाएगा। और इस केस में ये एस पी ओवरलैपिंग के रिजल्ट में जो बना है वो सिग्मा बॉन्ड है। तो एक हमारे पास क्या है एस एस सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड है हमारे पास एस पी। अब पी एंड पी और भी हो सकती है अगर तो उनकी वो सिमिट्रिकल है, अगर वो सेम एक्सिस पे हैं, लाइक जैसे ये है हम इसको कंसिडर करते हैं पी जी, और ऐसा ही अगर आपके पास दूसरा पी जी है और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये ओवरलैप करेंगे यानी दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इस तरह से ओवरलैप करेंगे, एक ये वाला पी जी और एक ये दूसरा, यहां से ये एरिया रीजन जो है वो शेयर करेंगे पी जी और पी जी, तो इनकी ये पेयर्ड स्पिन हो, ये इलेक्ट्रॉन अब पेयर्ड उसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये पी
पी एंड पी सिग्मा बॉन्ड बना। अगर वो एक्स, लेट्स सपोज वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बन जाए, जैसे ये वाई एक्सिस, तो ये फिर इनका इस तरह से ये रीजन होगा पी वाई, आप कंसिडर कर ले पी वाई, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे रीजन, यानी ये भी पी एंड पी सिग्मा बॉन्ड होगा। इसी तरह से पी पी एक्स एंड पी एक्स भी हो सकता है सिग्मा बॉन्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉन्ड बनता है तो वो पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। सिग्मा बॉन्ड एस और एस में हो सकता है, एस और पी में हो सकता है, पी एंड पी में हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स है सिग्मा बॉन्ड्स की। अभी आप ये एक इसके पर्टिकुलर्स हम देखेंगे कि ये इसके फीचर्स क्या है सिग्मा बॉन्ड के। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैप। तो कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। तो पहला फीचर क्या है कि सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप से बनता है, तो डायरेक्ट उसकी सिमेट्रिकली उसकी ओवरलैपिंग होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। तो अभी आपने वो देखा कि बॉन्ड एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक, सिग्मा बॉन्ड में ये इस एक्सिस के अराउंड होती है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस लाइन या एक्सिस के अबव ऐसे बिल्कुल इसके अराउंड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई के इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे जो रिवॉल्व करें कहाँ पे होगी, वो इसी बॉन्ड एक्सिस के अराउंड कहीं पे भी वो पाए जाएंगे, मैक्सिमम उनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड होगी। फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एनी टू एटम्स इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। तो ये अंडरस्टूड है कि जो पहला बॉन्ड बनेगा वो एस एस में हो, एस पी में हो, या पी एन पी में हो, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अभी हम उसको एग्जांपल में भी देखेंगे किस तरह से ये एस 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 पी और पी एंड पी के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ऑल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। ऑफ कोर्स जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, जो फर्स्ट बॉन्ड है, वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। सो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, और वो इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं उसको हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। वो बॉन्ड जो पाई बॉन्ड बनाएंगे उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो सो फर्स्ट जो सिंगल बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा और इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसके सारे पर्टिकुलर्स हैं। अब हमारे पास सेकंड टाइप है पाई बॉन्ड। पाई को हम इस पाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पाई बॉन्ड बेसिकली पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू ऑलरेडी बॉन्डेड एटम्स, कि उसमें पहले सिग्मा बॉन्ड बना हुआ होगा, क्योंकि पिछले फीचर्स में हमने देखा है कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही बनना है। पहला बॉन्ड बनना है, सिंगल बनना है, तो वो सिग्मा ही होता है। तो अगर वो ऑलरेडी बॉन्डेड है, यानी ऑलरेडी वो सिग्मा बॉन्ड उसका बन चुका है, देन पाई बॉन्ड बनेगा। सो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू ऑलरेडी बॉन्डेड एटम्स बाय द साइड वाइज पैरेलल और साइड टू साइड ओवरलैप ऑफ देयर टू हाफ फिल्ड p atomic orbitals whose axes are parallel is called a pi bond. अभी मैं आपको ये pi bond formation भी बताती हूँ कि किस तरह से bond बनता है। अब ये pi bond इस तरह से होता है, हमारे पास एक like ये मेरे पास एक pz atomic orbitals है और एक ये दूसरा pz, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है half filled, इनका px ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड बना होगा या पी वाई बना होगा कोई भी, उसके बाद ये एक साइड वाइज या पैरेलल या हम इसको कहते हैं साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे। किस तरह से, ये ऐसे इस तरह से। तो इनका ये रीजन, ये वाला, ये अब यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब चूंकि इन्होंने पैरेलल ओवरलैप किया, हम इसको कहेंगे ये पी एंड पी पैरेलल पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब अबव एंड बिलो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कि या तो वो अबव होगी या बिलो होगी, क्योंकि अब यहाँ पे इन्होंने ये रीजन ऑक्यूपाई किया। अब हम दोनों को कंबाइन करके लाइक इस डायरेक्शन में हम लिखते हैं इस तरह से। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है दैट इज अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई ज्वाइनिंग द टू एटम्स। सो दिस इज द पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कंडीशन क्या है कि जब पहले सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसके फीचर्स क्या है,
Pi bond is formed by sidewise or side to side or parallel overlap between two p orbitals. It means s or s में तो pi bond नहीं बनता, उसमें हमेशा sigma mod z बनता है. तो ये pi bond p and p में ही बनते हैं. वो p y y हो, p z z हो या p x, अगर इनमें से पहला sigma mod बन चुका होगा तो probability of finding the electron is maximum in the region above and below the line joining the two nuclei. तो इनके electron density distribute हो जाती है. सिग्मा में अराउंड रहती है न्यूक्लियर बॉन्ड एक्सिस के, लेकिन इसमें अबव एंड बिलो होती है डिस्ट्रीब्यूट. साइडवाइज ओवरलैप इज नॉट टू एफिशिएंट, सो रिजल्ट इज अ वीकर बॉन्ड. दैट्स व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई. सो वन आर टू पाई बॉन्ड्स कैन फॉर्म बिटवीन एनी टू एटम दैट आर ऑलरेडी कोवलेंटली बॉन्डेड, कि अगर वो ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, तो फिर उसमें एक या एक दो पाई बॉन्ड बन सकते हैं. क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड. तो ये इन्हीं ऊपर वाले टू पॉइंट्स में मैंने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो होती है, पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट होती है सिमेट्रिकली, पाई बॉन्ड में अबव एंड बिलो होती है, पाई बॉन्ड ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता, वो वीक होता है, उसके बॉन्ड एक्सपोज हुआ होता है स्पेस में, तो वो ज्यादा वो वीकर है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड. सो अब हम इसको अप्लाई करेंगे वेलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास्टुलेट्स को, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की शेप देखेंगे. फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन अगर हम कंसिडर करें, एक हाइड्रोजन का आपको पता है 1s1, अब दूसरा हाइड्रोजन भी क्या होता है 1s1, ये इलेक्ट्रॉन है. अब ये आया एक हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा आया इलेक्ट्रॉन इसके पास एक, जब इन्होंने ओवरलैप किया तो इस तरह से ये रीजन इन्होंने किया, तो इसमें एस एस सिग्मा बॉन्ड बना. सिमिलरली अगर हम क्लोरीन को लें, क्लोरीन एक क्लोरीन दूसरे के भी हम लिखें, क्लोरीन 1s2 2s2 2p6, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2p6 3s2 एंड 3p5, 2 and 2 4 and 6 10 और 2 12 and 5, टोटल ये 17 इलेक्ट्रॉन. हम अब इसको एक्सटेंड करके लिख रही हूँ कि 3p 3px 3py and 3pz, इनमें 5 1 2 3 4 and 5, तो इट मींस इट हैज ओनली वन दैट इज पार्शली फिल्ड. तो क्लोरीन का pz इस तरह से ये अवेलेबल होता है, pz जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और इसी तरह दूसरे क्लोरीन का भी एक जो 3pz होगा जो के अवेलेबल होगा दूसरे क्लोरीन का, इस तरह से ये दूसरा एक क्लोरीन है pz इसका, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है. अभी नाउ दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे ऑक्युपाई द रीजन लाइक दिस, यहां पे तो ये इनका एक बॉन्ड बन गया जिसको हम pz सिग्मा बॉन्ड हम कहेंगे. F2B6 एग्जाम्पल. अब हम अगर HF को देखते हैं, हाइड्रोजन का हमें पता है 1s1 इसका वैलेंस, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz 2 4 5 6 7 8 9, सो इट हैज द ओनली वन पार्शियल पेयर pz. सो pz लाइक एक्सिस whatever you take the x y and z x, so on z x like we consider this pz, it has one electron. Now s has the spherical shape with one electron, so this will come and overlap here with this, so this is s and this is pz, so s and pz sigma bond is formed in this way. Now look at this animation. The simplest molecule we can discuss in terms of valence bond theory is the hydrogen molecule, H2. This molecule is formed by two hydrogen atoms sharing their 1s1 electron. When the atoms approach each other, their 1s atomic orbitals overlap. We can envisage some merging of the orbitals to form a common electron cloud containing two electrons of paired spins. Electron density in this cloud should be concentrated somewhere between the hydrogen atoms.
The covalent bond formed by overlapping the two s orbitals is termed a sigma bond. Hydrogen atoms are linked by a sigma bond in the hydrogen molecule. Fluorine atoms have 7 electrons in the valence shell, 2 in the 2s and 5 in the 2p orbitals. The 5 2p electrons are distributed among the 3p orbitals in such a way that 2 of the orbitals are filled with paired electrons, while the third one has a single electron. Only the last mentioned is available for forming the covalent bond by sharing its electron with another atom. Consequently, the covalent bond can be formed by the overlapping of singly occupied p orbitals. A bond produced by such head-to-head overlapping of p orbitals is a sigma bond. Both hydrogen and fluorine possess a single electron which can be shared with the other atom. They are in different orbitals, 1s in hydrogen and 2p in fluorine. But they can still overlap to form a covalent bond. The bond formed by the overlapping of s and p orbitals is a sigma bond too. अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड कि डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीजन O2, तो हम पहले एक ऑक्सीजन की, अब इसमें ये भी देखेंगे कि पहले कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है और फिर कैसे पाई बॉन्ड बनता है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो तो 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pc। तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, इसका मतलब ये है कि अब इसके पार्शियली फिल्ड 2 है। अब दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, 1s2, 2s2, 2px, 2py1 एंड 2pz1। तो इसके पार्शियली फिल्ड 2 है, इसका मतलब है 2 बॉन्ड्स बनेंगे। अब ये देखें कि एक ऑक्सीजन के लिए उसके मैं x, y और z एक्सिस ड्रॉ करती हूँ। लेट सपोज ये है हमारे पास px, ये है उसका py है एक और ये है pc है, ठीक है। इसको मैं px का नाम दे रही हूँ, इसको मैं py का नाम दे रही हूँ, इसको मैं pz का नाम दे रही हूँ। अब px जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ पे px में 2 लोन पेयर्स हैं, सॉरी 1 लोन पेयर है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। py और pz में एक एक है। इसको जस्ट डिस्टिंक्शन करने के लिए ये मैं pz को ऐसे लाइन और pz को मैं ऐसे लाइक डॉटेड फिल कर देती हूँ, px को एम्प्टी रहने दिया और py में ऐसे लाइन लाइन फिल कर दिया, ऐसे ये लाइन। तो ये एक ऑक्सीजन के लिए, दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी सेम होगा। ये उस ऑक्सीजन पे ये एक कंप्लीटली फिल्ड pz है, सॉरी ये px नाम दे देते हैं, इसको pz का नाम दे देते हैं और एक इस पे होगा py। py को इस तरह से डॉटेड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और py को मैं इस तरह से लाइन फिल, जस्ट टू डिस्टिंग्विश देम, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे जो कि इसको कहेंगे हम py सिग्मा बॉन्ड। अब ये बॉन्ड यहाँ पे फिक्स हो गया, ये लीनियर ओवरलैपिंग से बना। अब यहाँ पे ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है, इसमें तो बॉन्ड बन नहीं सकता। अब ये हाफ फिल्ड, अब ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये यहाँ पे इसलिए ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, पी सी एंड पी सी पाई बॉन्ड। सो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, एक उसमें सिग्मा होता है और दूसरा उसमें पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि इसके हाफ फिल्ड 2 है तो 2 बॉन्ड्स बनेंगे, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। और कंप्लीटली फिल्ड वो ऑब्वियसली वो कंप्लीटली फिल्ड है, इट विल नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ बॉन्ड। सो ऑक्सीजन हैज अ डबल बॉन्ड, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में भी एनर्जी रिलीज होगी और पाई बॉन्ड में भी, ये डबल बॉन्ड है तो इसलिए ये स्ट्रॉन्गर होगा, ज्यादा स्टेबल होगा
as compared to single bond. ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हम देखते हैं, नाइट्रोजन की एग्जांपल लेते हैं. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz, 4, 5, 6, 7, सो इट हैज 3 पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सो इट कैन मेक 3 बॉन्ड. अदर नाइट्रोजन इन दिस N2 एग्जांपल, it also the same electronic configuration, 1s2, 2s2, 2px, 1, 2py1 and 2pz1. So it has 3 partially filled, so they will form 3 bonds. Out of them, first will be linear overlap, that is the sigma. Then the pi bond will be formed. So I am drawing all the on first nitrogen. Like this is the center and p y, this is like px, okay, this is px, this will consider py, and pz is out of plane, one lobe is front and one is behind, so this is pz. Py, I am putting it empty, this by dotted shade and this by points, all contain one electron, this one. So other nitrogen will also have the same electronic configuration like this. This is Py, this is Px and Pz. So 1, 2, 3 in one nitrogen and 1, 2, 3 in other nitrogen. So first they come close to each other and they share this region and form a sigma bond. This is called Px sigma bond. 1. Second, now which one are the parallel? They have the same symmetry, like this Pz and this Pz, this one. Pi bond, and now this Py and Py, they have pi bond, because Py and Py have the same symmetry and Pz and Pz have the same symmetry. So second Pz and Pz form pi bond, and third one Py and Py, they have pi bond. So total are 3 bonds in nitrogen. This one is sigma and these two are pi bonds. So this has the triple bond. P2 has also the same electron configuration as of the nitrogen. So you can draw for the phosphorus. But this is for nitrogen. So hopefully it is clear for you how the a single bond, a double and a triple bond is formed. Now the questions are, differentiate between a sigma bond and a pi bond. Now you can easily differentiate between sigma and pi bond. Why sigma bond is always stronger than pi bond? I already explained you during this lecture. And now draw the shape of HCl. I have already drawn for HF. HF, HCl are the same. F2, I have drawn for Cl2 and F2, and you have looked in the animation. S2 is just like oxygen O2, P2 is just like N2 on the base of valence bond theory. So go and practice and draw the shapes of these molecules. So this was all about the valence bond theory's first layer sigma pi bond and how these sigma single, double and triple bonds are formed. Our next topic will be again atomic theories. And in that will be the atomic orbital hybridization. Hybridization are of 3 types, sp3, sp2 and sp.